दिल्ली शराब घोटाला में के कविता को अदालत से मिला झटका। अब 23 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब नीति के घोटाला मामले में गिरफ्तार हुई बीआरएस नेता के कविता को एक बार फिर झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद आज सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत में सीबीआई ने 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी, क्योंकि 23 तारीख को ईडी के केस में भी के कविता की कस्टडी खत्म हो रही है, इसलिए उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पर बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि ये सीबीआई की हिरासत नहीं, ये बीजेपी की हिरासत है। बीजेपी जो बाहर बोल रही है, सीबीआई अंदर वही पूछ रही है, बार बार 2 साल मांग रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी को सीबीआई द्वारा तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया गया। इसके पहले कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो तिहाड़ में बंद थी। अदालत की ओर से पहले दी गई 3 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद सीबीआई ने आरोपी को अदालत में पेश किया। सीबीआई अधिकारियों ने हाल ही में एक विशेष अदालत से अनुमति लेने के बाद से जेल के अंदर पूछताछ की थी। बीआरएस नेता से मामले में सह आरोपी बुच्ची बाबू के फोन से मिले व्हाट्सएप चैट और एक भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई थी। आरोप है कि आबकारी नीति में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। ईडी ने कविता को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था और वो न्यायिक हिरासत में है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।